नेक्स्ट लेट्स से मुझे थ्रेड को स्लीप मोड में डालना है, मतलब जो थ्रेड पे जो कोड चल रहा है वो किसी कारण से मेरे को उसको पॉज करना है 5 सेकंड के लिए मान लो। तो लेट्स सी हाउ दैट कैन बी डन। सी डी सिस्टम प्रोग्रामिंग सी डी थ्रेडिंग LS-TE -6 VI-TE-10.C। प्रिंटर कूल प्रिंटर ग्रेट रिटर्न 0। अब ये जो डिफॉल्ट थ्रेड बनता है मतलब मेन थ्रेड पे चलेगा, यहाँ पे स्लीप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और 5 क्या सेकेंड्स। उसके लिए अब मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा UNI-STD.h GCC-12.c-OG-12.out। कूल प्रिंट हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे गया, स्लीप की वजह से वेट कर रहा है। 5 सेकंड बाद कहानी आगे बढ़ी, ग्रेट प्रिंट किया @EG12.c। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, पर चूंकि हम मल्टी थ्रेडिंग के एग्जांपल्स बनाने के लिए या उनके थ्रू कुछ सीखने के लिए बीच बीच में कुछ प्रिंट करा के देखा करेंगे, तो एक और स्लीप मोड में भी डालना होगा थ्रेड को कुछ सिखाने के लिए, तो एक दिक्कत हो सकती है और फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि एक ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो न हो इसलिए एक टॉपिक सिखा रहा हूँ CP-EG12.C-EG13.C VM-EG13.C। ये बैकस्लैशन मैं हटा रहा हूँ, ये बैकस्लैशन रहने देता हूँ, थोड़ी देर बाद इस बैकस्लैशन को भी हटा दूंगा पर अभी रहने देता हूँ। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कूल प्रिंट होगा, कर्सर उसी लाइन पर रहेगा, थ्रेड स्लीप मोड में जाएगा, स्लीप मोड में से बाहर आएगा तो ग्रेट प्रिंट होगा एंड देन लाइन चेंज होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। GCC-EG13.C-EG13.out क्या हो गया, EG-EG13.out। अब यहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है, देखो कूल प्रिंट ही नहीं हुआ जबकि पहले कूल प्रिंट करने को बोला है फिर स्लीप मोड में जाने को बोला है। लिख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है वो समझा रहा हूँ। STD-OUT STD-IN ये सब स्ट्रीम्स कहलाती है, ये या तो लाइन बफर्ड हो सकती है, हम STD-OUT की बात करते हैं, या अनबफर्ड हो सकती है या फुल्ली बफर्ड। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन बफर्ड है। लाइन बफर्ड मतलब क्या, जब हम प्रिंट करने के लिए कहते हैं प्रिंटफ को तो ये मत सोचिए कि प्रिंटफ टर्मिनल पे भेजता है, टर्मिनल में मॉनिटर को नहीं कह रहा, वो विंडो जो जैसे ये टर्मिनल विंडो है इसमें सब चल रहा है, तो प्रिंटफ कहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा। अब चूंकि लाइन बफर्ड है इसलिए यहां से यहां कब जाएगा, जब बैकस्लैश एन मिलेगा। अब हुआ क्या कि मैंने कूल प्रिंट करने को कहा तो कूल STD-OUT बफर में डाल दिया गया पर टर्मिनल पे नहीं पहुंचा क्योंकि बैकस्लैश एन नहीं है। फिर मैंने स्लीप मोड में डाला तो हमको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ का यहाँ पहुंचा ही नहीं है। फिर मैंने ग्रेट बैकस्लैश एन की बात करी तो वो जो कूल यहाँ इकट्ठा हो पड़ा था उसके आगे ग्रेट और फिर बैकस्लैश एन मिलते से सब टर्मिनल पर पहुंच गया था, हमको यहाँ पे इकट्ठा दिख गया। अब एक काम करते हैं वो ग्रेट के बाद का भी बैकस्लैश एन हटा के देखते हैं। CP-EG13.C-EG14.C VM-EG14.C। तो अभी की थ्योरी के हिसाब से तब कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। GCC-EG14.C-EG14.OUT EG14.OUT कूल नहीं दिखा समझ में आता है पर स्लीप मोड से बाहर आने के बाद ग्रेड भी नहीं दिखना चाहिए। तो कहानी ये है कि जब भी कोई एप्लीकेशन ख़त्म होगी तो STD-OUT के कंटेंट्स
टर्मिनल पे फ्लश कर दिए जाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का ये कहता है इसकी गारंटी नहीं, कुछ सिनेरियोज में हो सकता है ना फ्लश किया जाए, वॉट एवर मे बी द रीजन। हाँ, पर जहाँ तक हो सके मैंने देखा है हमेशा उसको मतलब एप्लीकेशन ख़त्म होती है। बहुत रेयरली ऐसा कोई एक आध दो केसेस मैंने देखे प्रोग्राम के जिसमें प्रोग्राम ख़त्म हुआ पर वो मॉनिटर पे पहुँचा ही नहीं किसी कारण से। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। ऐसा सोचो कि एसटीडी आउट में जो भी है वो प्रोग्राम ख़त्म होते वक्त या प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको फ्लश कर ही दिया जाएगा कहाँ पे, टर्मिनल। उस वजह से अभी रेट के बारे में वैक्सीनेशन नहीं भी दिया तो भी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो जो भी बफर में था वो टर्मिनल पे पहुंच गया। अब ये जो बिहेवियर है ये हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है सेट वी बफ नाम का। मैं कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, आप लाइनक्स मैनुअल पेजेस देख लीजिएगा, मैक्रोज बने हुए हैं _IO NBF_IO LVF_IO FBF, ये फुल्ली बफर्ड के लिए, लाइन बफर्ड के लिए या अनबफर्ड के लिए मैक्रोज बने हुए। बफर की साइज़ क्या होना चाहिए उसके लिए बफ SIZ बना हुआ है मैक्रो। हम अपना कस्टम बफर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑल दैट, मेरे को अभी उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस अभी ये सिखाना था कि वैक्सीनेशन नहीं दिया, स्लीप मोड में डाला तो टर्मिनल पे दिखता क्यों नहीं। क्योंकि होगा ये कि मैं एग्जाम्पल्स लिखते हैं वैक्सीनेशन दूंगा पर कभी स्टूडेंट भूल गया वैक्सीनेशन देना तो उसको वो मटेरियल मॉनिटर पे दिखेगा ही नहीं, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि प्रिंट तो करवाया कि तो दिख क्यों नहीं रहा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, मैनुअल ये कहता है कि उस स्ट्रीम के साथ फर्स्ट ऑपरेशन होना चाहिए बफर सेटिंग चेंज करने का। ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रिंट कर दिया फिर सेट वी बफ को कॉल किया, फिर उस केस पे तो फिर अनडिफाइंड वाली बात है। सो लेट्स मेक इट अनबफर्ड। अनबफर्ड मतलब एज सून एज, ये नहीं कह रहा हूँ कि यह डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं कह रहा कि कैरेक्टर आया तो वहाँ पहुँचा दिया, एज सून एज पॉसिबल वो टर्मिनल पे भेज दिया जाएगा। फुल्ली बफर्ड मतलब ब्लॉक मोड, तो एक जैसे बफर साइज है कुछ एक ब्लॉक है वो फुल हो जाएगा तो वो टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। लेट्स मेक इट अनबफर्ड। यू हैव टू लर्न दिस ऑन योर ओन। देर इज़ वन मोर मेथड नेम्ड एज सेट बफ। देखिएगा आप मैनुअल पेजेस देखेंगे तो आपको वेरिएशन दिख जाएंगे, बट रीड योर थ्योरी केयरफुली। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के एक एग्जाम्पल में 3-4 बार सेट वी बफ को कॉल दिया तो कोई मतलब नहीं है, वो एक बार और फर्स्ट ऑपरेशन होना चाहिए। लेट्स सी CP EG 14.C EG 15.C VM EG 15.C। अब सेट वी बफ STDOUT, हम खुद का बफर स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो मेरे को नहीं देना है, तो नल और _IO NBF और साइज की बात ही नहीं क्योंकि उसको अनबफर्ड रखना, तो 0 दिया। GCC EG15.C-EG15.OUT, ध्यान रखना मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने सब कुछ आपको सी सेट वी बफ के बारे में नहीं सिखाया, अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सिखा रहा हूँ। EG15.OUT। अब देखिए कूल प्रिंट हो गया क्योंकि वो अनबफर्ड हो गया। तो ऐसा मत करना कि आपने अनबफर्ड किया फिर 4 लाइन नीचे उसको बफर्ड कर दिया, लाइन बफर्ड कर दिया। एक बार जो भी है वो एक बार इनिशियल फर्स्ट प्रिंट ऑफ के पहले करना है। कैट कीजिए 15.C लिख लीजिए। एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट सेट वी बफ राइट नाउ कोई इश्यू नहीं है, पर ध्यान रखना कि हम मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल्स में जब भी प्रिंट ऑफ इस्तेमाल करें तो आखिरी में बैकस्लैश दे दें। नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ प्रिंट करवाया स्लीप मोड में डाला तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनिटर पे दिखना चाहिए, दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो लाइन बफर का खेल चल रहा है। पॉज करके ये सब लिख लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।